वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा वोकैब का टेक्निक दे रहा हूं और इस वोकैब के टेक्निक से बहुत सारे वोकैब आप खुद से बना सकते हो और बहुत सारे वोकैब आप याद कर सकते हो। बस टेक्निक याद रखो। तो मैं DSL का किताब उठाया, DSL टोटल 15 किताब है, मैं एक उठाया और एक उठा करके इसमें से मैं पहला लेसन ही आपको करा रहा हूं और आज देखो ये 20 वोकैब आपको याद होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला वर्ड है अवेट। अवेट का मतलब कम पढ़ना। अब एक व्यक्ति का वेट कम होता है, होता क्या कि दो लड़के होते हैं और एक का वेट कम होता है, एक का वेट अधिक होता है। तो जिसका वेट कम था वो वाशरूम में गया और सारा पानी नहा लिया, धोवा लिया, अभी पार्टनर से बोला कि यह मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है। अकॉम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट यानी कम रिसोर्सेज में बड़ा काम करना अकॉम्प्लिशमेंट कहलाता है। तो पानी कितना था? अवेटेड वाटर था। उसका वेट कैसा था? अवेट था। तो अवेट का मतलब कम पड़ना, कम होना। तो कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम करना अकॉम्प्लिशमेंट कहलाता है। तो उसने क्या कहा कि ये मेरा अकॉम्प्लिशमेंट है, देखो कम का रिसोर्स मैंने बड़ा काम कर लिया है। इससे उसका पार्टनर अफेक्टेड हो गया। अफेक्ट का मतलब प्रभावित होना। उसका पार्टनर अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। उसने पार्टनर को अश्योर किया कि आई विल अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं। तो अश्योर का मतलब भरोसा देना। उसने भरोसा दिया कि आई विल कंपनसेट योर वाटर, मैं पानी कंपनसेट कर दूंगा। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति कर दूंगा, यानी पानी कंपनसेट कर दूंगा जहां से भी हो। उसने क्या किया, उसने पार्टनर से कहा आई एम अ कॉम्पिटेंट बॉय, मैं बिल्कुल कुशल हूं। तो कॉम्पिटेंट मतलब कुशल, मैं एक्सपर्ट हूं। तो किसी काम को करने में एक्सपर्ट को हम लोग कंपनसेट कहते हैं, कॉम्पिटेंट कहते हैं। तो उसने कहा कि यार तूने पानी तो डिलीबरेटली खर्च कर दिया है। तो डिलीबरेटली का मतलब जानबूझ करके, तूने पानी खर्च किया है जानबूझ करके। तो बोला कोई बात नहीं, मैंने जानबूझ कर खर्च किया है, डिलीबरेटली खर्च किया है, तो मैं कंपनसेट तो करूंगा ना। उसने कहा कि मेरे पास एक डिवाइस है, डिवाइस जिसमें सी लगा है, तो डिवाइस का मतलब मशीन। मेरे पास एक मशीन है, मैंने उसको हाल ही में डिवाइस किया है। डिवाइस का मतलब आविष्कार करना। तो डिवाइस DEVISE, तो SE लगा है तो आविष्कार करना, सी लगा है तो मशीन। तो हमने एक डिवाइस का डिवाइस किया है, मशीन का आविष्कार किया है। उसने एक बकेट लिया और बकेट लेकर के उस मशीन को, उस डिवाइस को बकेट में डाला और बकेट अपने आप जमीन के अंदर गया और एक बकेट पानी ले आया। लेकिन पानी वो डिंजी वाटर था। कैसा था? डिंजी वाटर। तो डिंजी का मतलब गंदा, यानी गंदा पानी था, डिंजी वाटर था। कहा कि जाओ नहा लो इस पे। अब जब नहाया, पानी गंदा था, इससे इसका इफेक्ट हुआ। इफेक्ट का मतलब रिजल्ट। इफेक्ट कहते हैं परिणाम को, कि उसके सारे शरीर में बड़े बड़े फुंसी निकल गए और वो छोटा सा था, बड़ा सा जियंट पर्सनैलिटी हो गया, यानी वो बड़ा ही बड़ा बन गया। उसका इफेक्ट यह हुआ कि वो बड़ा ही विशाल बन गया। अब दोस्त दोस्त नहीं रहा, अब दोनों हो गए इनमिटी, अब हो गई दुश्मनी। तो क्या हो गए? अब जो दुश्मनी हो गई, इनमिटी हो गया, इनमिटी मतलब दुश्मनी। तो दोनों एक दूसरे को एग्जेम्प्ट कर दिए। एग्जेम्प्ट का मतलब छोड़ देना। दोनों एक दूसरे को अलग हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए, अलग हो गए, छोड़ दिए। अब जो लड़का पानी खर्च किया था वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल मोड का था, विद्वान था, इंजीनियर था, तभी आविष्कार किया था। तो उसने क्या किया, फ्लेक्सिबल मोड का था, दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल ही अलग हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए। तब क्या हुआ कि लड़का था बड़ा फ्लेक्सिबल मोड का, फ्लेक्सिबल था, लचीला था। अब जिसका शरीर खराब हुआ वो बड़ा ही फॉर्मिडेबल हो गया। फॉर्मिडेबल मतलब भयानक, फॉर्मिडेबल हो गया, भयानक हो गया। तब अब उसने सोचा कि मेरा शरीर खराब इसने कर दिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब जाकर के एक बार की बात है, जो लड़का मशीन का आविष्कार किया था वो एक बहुत बड़े सभा में मीटिंग कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। तो भरी सभा में जाकर के उसको क्या कर दिया, भरी सभा जाकर के ह्यूमिलिएट कर दिया। तो ह्यूमिलिएट का मतलब नीचा दिखा दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया, नीचा दिखा दिया। और जब नीचा दिखा दिया कि यही जो लड़का है उसने मेरे शरीर को खराब किया है, ह्यूमिलिएट कर दिया, नीचा दिखा दिया, तब जाकर के जो लड़का था उसने उसके पीठ पे हाथ रखा, बोला आई विल इंश्योर यू, मैं तुम्हारा इंश्योरेंस कर दूंगा, इंश्योर करता हूं तुम्हें। मतलब 1 करोड़ का इंश्योर किया, मतलब लाइफ
इंश्योरेंस, तब जाकर के वो ग्रेटिफाई हुआ। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट करना, तब जाके वो ग्रेटिफाई हुआ, संतुष्ट हुआ, और इससे उसका पूरा हेरिडिट्री, पूरा वंश सुधर गया, पूरा वंश सुधर गया। इस तरह से आप इस कहानी के माध्यम से इस वोकैब को दो बार तीन बार आप देखें, और देख करके आप इसको अपने स्तर पे और वीडियो आप बनाए। आप खुद से सोचें एक स्टोरी पे याद होता है कि नहीं। मेरा एक गुरु का लक्ष्य होता है स्टूडेंट को सिखा देना, मेरा लक्ष्य है आपको वोकैब याद करवाना, चाहे माध्यम जो हो। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो नहीं मिलता है, आपकी शिकायत होती है, तो बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, सब मिलेगा, कोई शिकायत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।